हेलो दोस्तों, आज आप लोग को स्टार कनेक्शन के बारे में प्रैक्टिकली स्थापित करके दिखाएंगे कि एक फेज में मेरा अगर मान लीजिए तीन फेज होता है आर वाई बी, तो आर वाई बी में अगर आपका किसी में भी अगर लोड असंतुलित हो गया, मतलब एक में लोड में ज़्यादा हो गया एक में अगर कम हो गया, तो मेरा न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रल में लाइन आएगा कि नहीं आएगा, करेंट आएगा कि नहीं, उसको स्थापित करके दिखाएंगे। ऐसे तो असंतुलित जब लोड होता है तो न्यूट्रल में आपका लाइन आता है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और स्टार कनेक्शन होता कैसे है तो देखिए, स्टार कनेक्शन कैसे होता है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले थ्योरी देख लीजिए। स्टार कनेक्शन में हम दो गो बल्ब को ले लिए हैं सीरीज में, आप एक बल्ब का ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार कनेक्शन का हम दो गो इस तरह से बल्ब ले लिए हैं। देखिए, एक बल्ब ऐसे, एक इस तरह से लूप बना लिए हैं, ठीक है। ये आपका एक हो गया, इस तरह से तीन को बना लिए हैं, ठीक है। और तीनों को देखिए इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं, इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए, इस तरह से अगर हम तीन को बना लेंगे, देखिए इस तरह से तीन को हम बना लेते हैं, इस तरह का आपको दो को बल्ब को सीरीज में जोड़ लेना है। इस तरह से ये दो हो गया, इस तरह से आपको तीन को जोड़ लेना है। तो तीन को जोड़ लीजिएगा, तो उसके बाद इसको स्टार बनाना है, तो क्या कीजिएगा, तीनों को एक दूसरे में जोड़ दीजिएगा, तीनों को क्या कीजिएगा, शॉर्ट कर दीजिएगा। जो जिसको जो शॉर्ट कीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा न्यूट्रल। देखिए, तीनों को कर दिए हैं यहाँ पर, देखिए तीनों को, एक दो तीन, तीनों को शॉर्ट कर दिए हैं और इसको हम न्यूट्रल बना दिए हैं, न्यूट्रल बना दिए हैं। और उसके बाद एक एक फेज जो बच गया मेरा आर वाई बी, ऐसे कर दिए हैं। अथी आपको दो दो बल्ब का सीरीज बना लेना है, दो दो बल्ब को आप एक बल्ब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दो दो बल्ब को हम बना लिए हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक दो बल्ब को तीनों टर्मिनल को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद वो तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और तीनों एक सिंगल सिंगल बच गया आर वाई बी, इसमें हमको तीनों फेज देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोड चेंज करके भी देखेंगे कि लोड जब चेंज करते हैं तो न्यूट्रल में लाइन आता है या नहीं आता है। एक में हम अगर मान लीजिए किसी में एक में अगर हम उसको वोल्ट अथी लोड को कम कर देंगे, किसी में लोड को बढ़ा देंगे, तो न्यूट्रल में लाइन आता है। थ्योरी के अनुसार तो अगर किसी एक में लोड को अगर हम कम कर देते हैं और दो में किसी तरह का भी लोड चेंज करते हैं, तो मेरा न्यूट्रल में लोड आज अथी न्यूट्रल में आपका करेंट फ्लो होने लगता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे फ्लो होता है या नहीं होता। तो इसको अगर आपको कहीं प्रैक्टिकल में भी जाइएगा, तो आपको एक आपको स्टार कनेक्शन को स्थापित करने के लिए जब बोलेगा, तो इस तरह से बल्ब ले लेना है। एक एक बल्ब भी आप ले सकते हैं स्टार में, डेल्टा में दो बल्ब लेना पड़ता है, लेकिन स्टार में आप दो बल्ब ले सकते हैं। इस तरह से सीरीज बना लेना है एक एक बल्ब को, और उसके बाद दोनों तीनों को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट जो होगा आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। उसके बाद दो दो बल्ब को इस तरह से जोड़ देना है, स्टार हो गया, यहाँ से न्यूट्रल हो गया। तो देखिए, हम आपको इसके में बताते हैं लाइन देखे कि इसमें करंट आता है कि नहीं। देखिए देखिए, यहाँ पर हम 100 100 वाट का दो बल्ब ले लिए हैं, इसमें दो बल्ब ले लिए हैं, देखिए यहाँ दो ले लिए हैं, ठीक है। इसमें जो बल्ब लिए हैं सेम वाट का है, सब सेम वाट का है। तो सेम वाट के होने के कारण ये जो मेरा न्यूट्रल का जो वायर है इस तरह से कनेक्शन किए हैं, न्यूट्रल का जो मेरा वायर है, देखिए न्यूट्रल का जो वायर है इस तरह से किया है ना, इस तरह से दो को बल्ब इधर जोड़ दिए हैं, और दो को बल्ब इधर जोड़ दिए हैं, और दो को बल्ब इधर जोड़ दिए हैं। ये जो मेरा न्यूट्रल है ये सामने में आपको न्यूट्रल जो है ये न्यूट्रल निकाल दिए, ठीक है। तो ये सेम लोड है, तो सेम लोड में देखते हैं कि मेरा इसमें न्यूट्रल में लाइन आता है या नहीं आता, करंट आता है कि नहीं आता है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये मेरा कनेक्शन देखिए यहाँ पर क्या किया है, जिस तरह से इसमें दिखा रहा है आर वाई बी, उसी तरह से देखिए यहाँ ब्लू हो गया आपको, येल्लो हो गया और रेड हो गया। तो तीनों में एक एक फेज दे दिए हैं, और न्यूट्रल में चेक करेंगे कि लाइन आ रहा है, न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें लाइन आता है कि नहीं चेक करके देखते हैं। तो देखिए, हम इसको लाइन को ऑन करते हैं, ऑन कर दिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे लाइन आता है कि नहीं इसमें। देखिए तो देखिए, हम इसमें क्लैंप मीटर आपको लिए हैं, क्लैंप मीटर से देखेंगे कि लाइन इसमें आता है कि नहीं। तो देखिए, हम न्यूट्रल में लगा रहे हैं, देखिए इसमें आपको अभी लाइन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। इसी तरह से इस क्लैंप मीटर को लगा के दिखाया जाता है, इसमें तो लाइन अभी नहीं आ रहा है। जब इसमें देखते हैं, हम लोड को अगर चेंज करके देखते हैं कि इसमें लाइन आएगा या नहीं आएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से हो गया, नहीं आ रहा है लाइन, तब हम इसमें अब लोड चेंज करके दिखाते हैं आपको लाइन आता है कि नहीं है। देखिए, इसमें हम लोड चेंज कर दिए, बाकी सेम बल्ब का ही रहने दिए हैं, उसके बाद हम इसको 0 वाट लगा दिए, तब देखते हैं कि मेरा न्यूट्रल में करेंट आता है या नहीं आता है। तो इसको देखिए, हम इसको चालू कर रहे हैं, असंतुलित लोड हो गया, संतुलित तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक फेज में क्या दे दिए हैं, दो सेम टू सेम फेज में इसमें दे दिए, सेम लोड दे दिए, लेकिन इसमें आपका सेम लोड नहीं है। तब इसमें देखते हैं कि न्यूट्रल में लाइन आता है या नहीं आता, करंट आता है या नहीं आता। देखिए, देख लिए, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। देखिए, हम एम्पियर मीटर को दे रहे हैं, क्लैंप मीटर है, देखिए देखिए आ रहा है ना करेंट। इसका मतलब क्या समझे, अगर आपका लोड तीनों फेज में सेम रहता है, अगर आपका लोड तीनों फेज में सेम रहता है तो न्यूट्रल में करेंट 0 होगा। अगर लोड अगर सेम नहीं रहता है तो आपको इसमें लाइन आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह से आ रहा है ना, कुछ ना कुछ दिखा रहा है। इसका मतलब लोड अगर सेम रहा तो न्यूट्रल में लाइन नहीं आएगा, अगर सेम लोड नहीं रहा तो न्यूट्रल में लाइन आ जाएगा, समझे।
देखिए, तो आपको प्रैक्टिकली स्थापित करके दिखा दिए कि इसमें कब लाइन आपको आएगा कब नहीं आएगा। अगर अगर सेम लोड होता है तीनों फेज में तो आपका न्यूट्रल में लाइन नहीं आता। अगर लाइन आता भी है तो इसको ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, वहाँ ग्राउंडिंग कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर के पास, इसको ग्राउंड कर दिया जाता है कि करंट जो मेरा होगा वो धरती में चला जाए, इसीलिए इसको ग्राउंडिंग करा जाता है जहाँ भी ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ रहता है। इसको स्थापित कर दिए, अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ लीजिए कि किस तरह से कनेक्शन किए। कुछ नहीं करना है, दो गो बल्ब को सीरीज में ले लेना है, इस तरह से छः गो बना लेना। आप एक बल्ब का भी यूज कर सकते हैं और तीनों को न्यूट्रल में लगा देना, न्यूट्रल बना देना जिस तरह से हम किए हैं ना। देखिए यहाँ पर लाइन बनाया हुआ ना, बीच में सारा टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट कर दिए हैं, बाकी में तीनों में आर वाई वी जो है तीनों को दे दिए। उसके बाद हम देखिए लोड को चेंज किए, तो लोड को चेंज किए तो मेरा न्यूट्रल में भी लाइन आ रहा है, तो इस तरह से न्यूट्रल में लाइन आ रहा है। इसका मतलब मेरा थ्योरी जो बोलता है वो सही है, देख रहे लाइन आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर लोड अगर तीनों फेज में सेम नहीं रहा तो आपका न्यूट्रल में लाइन आएगा, अगर लोड सेम रहा तीनों फेज में तो न्यूट्रल में लाइन जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा थ्योरी भी है और प्रैक्टिकली देख लीजिए किस तरह से कनेक्शन होता है वो आपको तो पता ही है। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन भी आता है, डिप्लोमा में हो चाहे इलेक्ट्रिकल ITI में हो, सब में पूछता है कि स्टार कनेक्शन को स्थापित करें। इसके बाद आपको हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में स्थापित करके दिखाएंगे, उसमें न्यूट्रल नहीं बनता है तो वो कनेक्शन कैसे होता है। तो इसका कनेक्शन सिंपल था, दो को बल्ब लेना है, सबको सीरीज बना लेना है, उसके बाद दोनों तीनों को शॉर्ट करके RYB दे देना है, उसके बाद लोड असंतुलित और असंतुलित देख लेना है, उसके बाद आपका स्टार कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो कृपया लाइक और शेयर और कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम डेल्टा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।